हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुफा की चर्चा करेंगे और वह गुफा है जोगी महाराज की गुफा। जी हाँ दोस्तों, ऐतिहासिक कालीन गुफाओं में जोगी महाराज से चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है। आधुनिक ऐतिहासिक गुफाओं की अगर हम बात करें और यह जोगी महाराज की गुफा जहाँ पहली बार विधिवत भित्त चित्रकारी की गई है, या कह सकते हैं विधिवत भित्त चित्रकारी का पहला उदाहरण हमें जोगी महाराज की गुफा से देखने को मिलता है। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जोगी महाराज की गुफा, जो पहले तो मध्य प्रदेश में स्थित था, लेकिन जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ छत्तीसगढ़ के रूप में, तो आज वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य में एक कभी सरगुजा नाम की रियासत हुआ करती थी, आज वह सरगुजा जिला बन चुका है। और इसी सरगुजा जिला में एक अमरनाथ नाम का तीर्थ स्थान है रामगढ़ की पहाड़ी पर, और यहीं पर जो है जोगी महाराज की गुफा बनी हुई है। और एक तरह से कह सकती है जो जोगी महाराज की गुफा है ये नर्मदा नदी के उद्गम पर स्थित है, या किस नदी के किनारे इसकी स्थिति है तो नर्मदा नदी आप लगा सकते हैं। और ये एक मौर्यकालीन प्राचीन गुफा किस समय की है, अगर समय निर्धारण की बात करें तो दोस्तों यहाँ इस गुफा के निर्माण समय को लेकर के एक विवाद है। यहाँ भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा भिन्न भिन्न मत दिए गए हैं, और इन विद्वानों में डॉक्टर स्मिथ हैं, इनका मानना है कि यह गुफा प्रथम सदी ईसा पूर्व की है, जबकि जॉन स्मिथ महोदय ने इसको 1000 ईसा पूर्व प्राचीन बताया है। लेकिन एक विद्वान हैं डॉक्टर ब्लैक, इनका मानना है कि यह गुफा लगभग 300 ईसा पूर्व प्राचीन है। और डॉक्टर ब्लैक का जो मत है समय निर्धारण को लेकर के वह सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इन गुफाओं में जो आकृतियाँ बनाई गई हैं, बौनी आकृतियाँ बनाई गई हैं, जो चपटापन लिए हुए हैं, और इसी तरह की अगर हम मूर्ति देखें तो भरहुत और सांची के जो स्तूप है वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। तो इसी के आधार पर इसका समय जो है जो तीसरी सदी ईसा पूर्व डॉक्टर ब्लैक माने हैं वो सबसे उपयुक्त प्रतीत होता है। और अगर काल की बात करें तो ये जोगी महाराज की गुफा ये एक मौर्यकालीन गुफा है। दोस्तों, यहाँ भारतीय इतिहास में या ऐतिहासिक गुफाओं में हम लोग देखें तो हर गुफा किसी न किसी धर्म से प्रभावित है। यहाँ बहुत सी गुफा है, जोगी महाराज, अजंता, बाघ, बादामी, सिकरिया, शीतलवासा, एलिफेंटा, तो हर गुफा किसी न किसी धर्म से संबंधित है। लेकिन अगर इस जोगी महाराज गुफा की बात करें तो जोगी महाराज गुफा के धर्म को लेकर के भी एक विवाद की स्थिति विभिन्न विद्वानों में है, जिस तरह से समय निर्धारण को लेकर के था, लेकिन उसमें डॉक्टर ब्लैक का मत सबसे सही और उपयुक्त था। उसी तरह से यहाँ इस गुफा के अगर धर्म की बात की जाए तो इस गुफा के संबंध में डॉक्टर ब्लैक जो थे उनका ये मानना है कि इस गुफा पर यूनानी धर्म का प्रभाव है। दोस्तों, डॉक्टर ब्लैक के अलावा एक विद्वान हैं राय कृष्णदास, और राय कृष्णदास का मानना है कि जोगी महाराज गुफा जैन धर्म से संबंधित है, जबकि डॉक्टर हीरालाल ने इसे बौद्ध धर्म से संबंधित माना है। और आधुनिक भारतीय चित्रकार असित कुमार हलधर का मानना है कि रामगढ़ के प्राचीन मंदिरों में जो देवदासियां रहा करती थी उन्हीं देवदासियों से संबंधित है, इनका मानना है कि देवदासियों का मानना है कि देवदासियों से संबंधित था। लेकिन इन विद्वानों में जो सबसे सही और उपयुक्त मत है वो डॉक्टर राय कृष्णदास का था, अर्थात कह सकते हैं सर्वमान्य रूप से कि इस जोगी महाराज की गुफा पर जैन धर्म का प्रभाव है। हालांकि जोगी महाराज गुफा के चित्रों की विषय वस्तु अस्पष्ट नहीं है, फिर भी राय कृष्णदास के मत को एक स्वीकार मत के रूप में माना जाता है। और यहाँ जोगी महाराज की गुफा कभी लोगों की नज़रों से ओझल नहीं हुई,
इसलिए जोगीमारा गुफा के कोई खोजकर्ता नहीं है, जोगीमारा गुफा के खोजकर्ता को लेकर के किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। असल में यहाँ जो एक तीर्थ स्थल था अमरनाथ, वहाँ लोगों का लगातार आना जाना बना रहा, इसलिए ये कभी लोगों की नज़रों से ओझल नहीं हुई। और जहाँ तक इस जोगीमारा गुफा के चित्रों की अंकृतियाँ बनाने की बात है, हालांकि जितनी भी गुफाएँ हैं सब गुफाओं की किसी न किसी आधुनिक भारतीय चित्रकार के द्वारा उसकी अंकृतियाँ बनाई गई, उसी तरह से यहाँ जोगीमारा गुफा के चित्रों की अंकृतियाँ पुरातत्व विभाग के अनुरोध पर जोगीमारा गुफा के चित्रों की अंकृतियाँ बनाने के लिए आधुनिक भारतीय चित्रकार असित कुमार हलधर, क्षेमेंद्रनाथ गुप्ता वहाँ गए और इन्होंने माना कि यहाँ पर कुल 7 चित्र हैं। हालांकि कुछ विद्वानों ने 7वें चित्र को जो है ए और बी दो भागों में विभक्त कर दिया और उनका मानना था यहाँ पर कुल 8 चित्र हैं, लेकिन जो सर्वमान्य रूप से मानना था असित कुमार हलधर का वो मत ज़्यादा सही है और 1914 ईस्वी में इन आधुनिक भारतीय चित्रकारों के द्वारा जोगीमारा गुफा के चित्रों को बनाया गया और इन चित्रों की अनुकृतियाँ वर्तमान समय में भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में रखा गया है, वहाँ पर संग्रहित है। और इस जोगीमारा की गुफा को भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता था। 10वीं सदी में जोगीमारा की गुफा को डंडोर के नाम से जाना जाता था, जबकि रामायण काल में ही इसे झारखंड कहा जाता था। और ये जोगीमारा की जो गुफा है भारत में, आप लोगों को हम पहले बताए थे कि ऐतिहासिक काल की सबसे प्राचीन विधिवत भित्ति चित्रकारी का उदाहरण है और यहाँ गुफाओं की छतों के साथ साथ यहाँ गुफा की दीवारों के साथ साथ गुफा की छत पर भी यहाँ चित्रकारी की गई है। लेकिन जोगीमारा में मुख्य रूप से 2 गुफाएं मिली हुई हैं, हालांकि कुछ दूरी पर कुछ और भी गुफाएं मिली हुई हैं, यहाँ उसकी चर्चा इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और यहाँ 2 गुफाओं की चर्चा की जाएगी, एक तो जोगीमारा गुफा है, लेकिन उसी के थोड़ा पास में एक सीता बंगरा की गुफा है और इसे सीता लायरा की गुफा भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ जो सीता बंगरा की गुफा है, पहले ये एक नाट्यशाला मानी जाती थी और यहाँ कलाकारों का निवास भी माना जाता था, लेकिन लिप के अध्ययन से पता चला कि यह जो गुफा है जिसे नाट्यशाला माना जाता था, असल में वह वरुण देवता का एक मंदिर था और इस मंदिर की सेवा के लिए एक देवदासी थी जिसका नाम था सुतानका, वो यहाँ रहा करती थी। और इसी के बगल में एक दूसरी गुफा है, जोगीमारा की गुफा, जो सीता बोंगरा गुफा के समीप है और इसी जोगीमारा के गुफा में चित्र बने हुए हैं। और यह जोगीमारा की गुफा 10 फीट लंबा है, 6 फीट चौड़ा है और इसकी ऊंचाई 6 फीट है। और अगर हम इसको मीटर में बदलते हैं, जोगीमारा की गुफा को की लंबाई चौड़ाई को, तो दोस्तों इसकी लंबाई 9 मीटर हो जाती है, 9×4.5×4.5 मीटर आकार में ये गुफा बनी हुई है। लेकिन जोगीमारा गुफा को हम लोग देखते हैं तो जोगीमारा गुफा के चित्रों पर किसी के द्वारा दूसरे स्तर पर चित्रकारी कर दी गई, अर्थात इसको पुनः किसी के द्वारा ऊपर से रंग भरकर बनाने का प्रयास किया गया है। और जो दूसरे स्तर की रेखाएं हैं, रेखाएं और रंग बिल्कुल अलग तरह से चमकते हैं और इससे इन चित्रों की मौलिकता नष्ट हो गई है। और यहाँ दोस्तों ये कहा गया है कि जोगीमारा गुफा के चित्रों को बनाने वाला कौन था। असल में ये माना जाता है कि जोगीमारा गुफा के समीप जो सीता बोंगरा या सीता लांगड़ा की गुफा थी, उसमें एक देवदासी रहा करती थी
और देवदासी बाद में देवी दीन नाम के एक चित्रकार से प्रेम करने लगी। लेकिन मंदिर के पुजारियों ने दोनों का मिलन नहीं होने दिया और उसका परिणाम यह रहा कि देवी दीन शोधवश कि प्रेम में उसने इस सीता बंगरा की गुफा के जो नज़दीक जोगीमारा की गुफा था इसको चित्रों से पूरी तरह से भर दिया। यहाँ गुफाओं की दीवारों के साथ साथ छतों पर भी चित्रकारी की गई और यहाँ जो देवी दीन के द्वारा चित्रकारी की गई उसमें अभी हम लोग देखे कि जोगीमारा गुफा के चित्रों को अशित कुमार हल्दर ने कुल 7 दृश्य माने थे और इन 7 दृश्यों में 2 दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है। एक दृश्य तो है गर्भगृह का दृश्य और गर्भगृह के दृश्य में आप लोग देखे हैं कि किसी तालाब में एक मगरमच्छ था, ये कहानी आप लोग देखे होंगे, और उस तालाब में एक हाथी का बच्चा पानी पीने के लिए जाता है और मगरमच्छ हाथी के बच्चे को पकड़ लेता है पैर और दोनों की तरफ खींचते हैं, लेकिन अंत में जब हाथी का बच्चा अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है तो वह एक कमल का फूल तोड़ करके अपने सुर से विष्णु भगवान को याद करता है और विष्णु भी खाली बैठे हुए थे, वो चक्र लेकर पहुंच जाते हैं और गला काट करके मगरमच्छ की उस हाथी के बच्चे की रक्षा करते हैं। तो ये दृश्य आप लोग तमाम जगह पोस्टर वगैरह में धार्मिक चित्रों में इस तरह के दृश्य आपको दिखाई पड़ रहे होंगे यहाँ देख भी सकते हैं। और एक चित्र और बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें एक वाटर लिली का फ्लावर है या इसी को हिंदी में कुमुदनी का पुष्प कहा गया है और एक इसी कुमुदनी के पुष्प पर जो है नृत्य करता हुआ एक प्रेमी युगल चित्रित किया गया है। तो ये दो दृश्य दोस्तों जोगीमारा की गुफा में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि यहाँ जो अशित कुमार हल्दर ने 7 दृश्य माने हैं कि जोगीमारा की गुफा में कुल 7 दृश्य है, तो वो 7 दृश्य क्या क्या हैं हम लोग उसको देख लेते हैं कि ये 7 दृश्य में क्या क्या दिखाया गया है। और अगर हम लोग पहले दृश्य की बात करें तो जो पहला दृश्य है, पहले दृश्य में एक कमलयुक्त सरोवर दिखाया गया है अर्थात एक तालाब है जिसमें कमल खिले हुए हैं और इसके अलावा कुछ मानव आकृतियाँ, कुछ मछलियाँ इत्यादि इस पहले दृश्य में चित्रित कर दी गई हैं। और जो दूसरा दृश्य जोगीमारा में दिखाया गया है इसमें कुछ व्यक्ति को एक वृक्ष के नीचे बैठ करके वार्तालाप करते हुए दिखाया गया है। और यहाँ के तीसरे दृश्य में वही आप लोग बताए थे कि सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाघ का दृश्य दिखाया गया है और इस बाघ के दृश्य में लाल रंग से बने कुमुदनी के पुष्प पर नृत्य करता हुआ एक प्रेमी युगल दिखाया गया है। और यहाँ जो चौथा दृश्य है उसमें एक बौनी मानव आकृति दिखाई गई है जिसके सिर पर चोंच बने हुए हैं। और जो पांचवी आकृति है इसमें एक लेटी हुई स्त्री को बनाया गया है और संभवतः यह लेटी हुई स्त्री एक नर्तकी बताई गई है। और यहाँ जो छठवां दृश्य है, छठवां दृश्य जो है यहाँ पर एक प्राचीन ढंग से बनाया गया रथ दिखाया गया है और जिसमें इसी दृश्य में कुछ चैत्यों का भी अंकन दिखाया गया है। और सातवें दृश्य में यहाँ पर कुछ ग्रीक रथों को दिखाया गया है और ये ग्रीक रथों के समान यहाँ कुछ भवन भी बने हुए हैं जिसे सातवें दृश्य में दिखाया गया है। तो दोस्तों यहाँ ये दृश्य हैं, इसमें दो चित्र बहुत महत्वपूर्ण है, एक गर्भगृह का चित्र और दूसरा कुमुदनी के पुष्प पर नृत्य करते हुए प्रेमी युगल का चित्र जो बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर हम लोग इस जोगीमारा गुफा की विशेषता देखें तो ये जोगीमारा की गुफा मानव के द्वारा भित्ति चित्रकारी का पहला प्रयास है
और जोगी मारा की गुफा के जो चित्र हैं वो चूने पुते हुए धरातल पर बनाए गए हैं। और इन गुफाओं को बनाने में जो रंग प्रयोग किए गए हैं असल में वो प्रकृति प्रदत्त खनिज रंग हैं, और इसमें लाल, काला, पीला, सफ़ेद आदि रंगों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ जो चित्रकारी की गई है, चित्रों की सीमा रेखाएं लाल रंग से बनाई गई हैं, चित्रों में आंखें सफ़ेद और काले रंग से बनाए गए हैं, इनके बाल काले रंग से बनाए गए हैं, और चित्रों के चारों तरफ जो बॉर्डर बनाए गए हैं, हाशिए बनाए गए हैं, उसमें पीले रंग का प्रयोग हुआ है। और यहाँ चित्रों में जो दूसरे स्तर की चित्रकारी की गई, अभी हम लोग पीछे चर्चा किए, दूसरे स्तर की चित्रकारी में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग से चित्र बनाए गए हैं, और यहाँ रेखांकन काले रंग से किया गया है। और जहाँ तक इस गुफा में बने मानव आकृतियों की बात है, तो गुफा में जो मानव आकृतियाँ बनाई गई हैं वो बौनी बनाई गई हैं, और इनकी बनावट सांची और भरहुत के स्तूपों में जो मूर्तियाँ बनी हैं वैसा देखने को मिलता है, अर्थात छोटी नाटी बौनी बनाई गई हैं आकृतियाँ। और जोगीमारा की गुफा में ला ऑफ फ्रंटलिटी का प्रयोग किया गया है। ला ऑफ फ्रंटलिटी का तात्पर्य होता है सन्मुखता का नियम। यहाँ आमने सामने जो गुफा है वो उसी के सम्मुख है, जिसे चौड़ाई और लंबाई जो सामने है वही लंबाई जो है उसके सामने है, जो चौड़ाई है उसके सामने वही चौड़ाई है, तो इसी को ला फ्रंटलिटी या सन्मुखता का नियम कहा गया है। तो दोस्तों, जोगीमारा के संबंध में परीक्षा की दृष्टि से ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ रहीं जो आपके लिए अवश्य उपयोगी साबित होगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमसे जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।